हमारी रूटीन ये रहती है कि मसलन सुबह की नमाज़ वाजिब है, हम पढ़ के फिर सो जाते हैं, दोपहर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं। इस तरह लज्जत नहीं मिलती जब तक आप एक टाइम फिक्स न करें। मिसाल के तौर पे मुझे सुबह की नमाज को 15 मिनट्स देने, ये खुद पे वाजिब कर लें कि 15 मिनट से कम में मुसल्ले पे बैठूंगा नहीं, या 20 मिनट जितनी आपकी ताकत है, वसअत है, वो टाइम फिक्स बना दें। तो आप देखेंगे अब आपने जहन बना लिया, एक गोल बना लिया कि मुझे सुबह 20 मिनट मुसल्ले पे बैठना है। अब जी 20 मिनट जब आप गुजारेंगे तो तकरीबन 4-5 दिनों के बाद आपको इस 20 मिनट में क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। इसकी वजह है, वजह यह है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं जल्दी में नमाज पढ़ता हूँ तो जहन में ये होता है जल्दी पढ़ के सो जाऊँ, जल्दी पढ़ के ऑफिस निकल जाऊँ, जल्दी पढ़ के फला काम कर दूँ, तो वो नमाज में ख्याल रहता नहीं है। लेकिन जब आपने पहले से प्री प्लान कर लिया कि मुझे 15-20 मिनट मुसल्ले पर बैठना ही बैठना है, तो अब जहन के जहन में ये ख्याल नहीं आया मुझे सोना है, उसका जहन बन चुका है कि मुझे सुबह की नमाज 15 मिनट पढ़नी है, उसके बाद ज़ियारत आशूरा पढ़नी है, दुआए अलकमा पढ़नी है, अल्लाह के साथ राज व नियाज करना है, फिर खुदा वो मकाम अता करता है। ईरान के बहुत बड़े आलिम शिराज के रहने वाले कहते हैं, वो अपनी महफिलों में एक बहस चल पड़ी, बहस ये थी कि क्या मौत इख्तियारी, दो तरह की मौतें हैं, एक मौत इंसान को अचानक आ जाती है पता नहीं लगता, लेकिन एक नज़रिया हमारे उलमा के यहाँ है कि अगर इंसान बहुत नेक हो वो अपने इख्तियार से दुनिया से जाता है। ये अकीदा हमारा अहले बैत के लिए है, औलियाउल्लाह के लिए। मसलन उसे पैगाम दिया जाता है भाई कल सुबह तुम्हारे जाने की बारी है, वो अपने इख्तियार से सो जाता है और अपने इख्तियार से अपनी रूह को क्या करता है? परवाज़ देता है। ये शिराज के बहुत बड़े आलिम, इसने हौज़े में बहस की कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तसव्वुर गलत है, हमें रवायात में नहीं मिलता, हदीस में नहीं मिलता, कुरान में नहीं मिलता, मौत इख्तियारी का कोई तसव्वुर नहीं है। शागिर्दों में बहस करते थे, एक दिन ये अपने ऑफिस में अपने मदरसे में आकर बैठ गए, एक बूढ़ा बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाला इनके पास है। इन्होंने कहा आयतुल्ला साहब आप ये बहसें करना छोड़ दें कि मौत इख्तियारी का वजूद नहीं है। कहा हम कैसे छोड़े, हम आलिम है, हमारा काम ये हदीसों में देखें, रिवायात में देखें, लोगों के अकीदे रिवायत और हदीसों से बनाए। उन्होंने कहा कई चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ने से नहीं मिलती, जो अमल करने से मिलती हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ने से नहीं मिलती। एक यहूदी ने भी मामे ज़माना पे PhD की अमेरिका में, तो उसे भी पता है मौला किसके बेटे हैं, किसकी नस्ल से हैं, तो इल्म तो है उसके पास लेकिन उसके वजूद में अमल नहीं है। तो कई चीज़ें हैं सुनने से नहीं मिलती, पढ़ने से नहीं मिलती, अमल करने से मिलती। तो आपका क्या कहने का मतलब? का कई चीज़ें मुशाहदे से मिलती हैं। का क्या करूँ? कहा नमाज शब की पाबंदी करें, आपको पता चल जाएगा कि मौत इख्तियार से आती है कि नहीं आती। ये शिराज के बहुत बड़े आलिम दीन कहते हैं उस दिन से इसने कभी भी अपनी नमाज शब को नहीं छोड़ा। क्यों? नमाज शब के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, आधा घंटा 25 मिनट आपको निकालना पड़ता है, और वो टाइम जब आप निकालते हैं, क्योंकि वो वाजिब नहीं है, इसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुदा की मारिफत के हुसूल के लिए दो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और फरमाते जितने भी उलमा और उरफा थे अगर किसी मकाम पर पहुंचे तो नमाज शब की वजह से, जिसने नमाज शब नहीं पढ़ी उसे कोई मकाम नहीं मिला। अब इसके शागिर्द क्या बयान फरमाते हैं? कहते हैं पूरी जिंदगी ये दर्स देते रहे कि मौत इख्तियारी का वजूद नहीं है। कहा एक दिन शब जुमा थी, मैं आया, मैंने कहा उस्ताद साहब कल जुमा है, छुट्टी है, तो मेरे कुछ दर्स में इश्कालात हैं, मुझे दर्स समझ में नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ जुमे के दिन आ जाऊँ, छुट्टी का दिन है, आप मुझे कुछ समझा दें। उन्होंने कहा मेरे लाल कल का दिन तू मुझे देखोगे नहीं। मैं परेशान हो गया, उस्ताद क्या कहना चाहते हैं? करीबी शागिर्द कहता मैं समझ गया ये उस्ताद का आखिरी दिन है। कहा जितने सवाल करने अभी मुझसे कर लो, बस मैं सोऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। कहा उस्ताद से सवाल पूछे, उन्होंने नमाज पढ़ी, बिस्तर पर सोए, और दोबारा जब शागिर्द उठाने आए उनकी रूह परवाज करके जा चुकी थी। ये सुकून का मकाम है कि इंसान मौत भी अपने इख्तियार से लेकर इस दुनिया से चला जाए। ये सुकून का मकाम है कि इंसान जब दुनिया से जा रहा है तो मुतमइन होकर जाए, और ये मकाम कब मिलता है? जब इंसान अपनी ज़िंदगी